नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को रसायन विज्ञान की रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आती है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न क्या है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा, समीकरण लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, समीकरण लिखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रोपिल आयोडाइड की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, केवल समीकरण लिखना है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक अवश्य बने। सबसे पहले इन सारी अभिक्रियाओं को समझने के लिए आपको मुझे एक फार्मूला बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, फार्मूला। दोस्तों, फार्मूला अगर आपको समझ में आता है, सारी अभिक्रियाओं को एक ही तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला दोस्तों क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले समझेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए मेरे पास एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला ये मेरे पास दोस्तों फार्मूला है। पहले से फार्मूले को हम समझेंगे, ये मेरे पास क्या है, फार्मूला क्या है, सूत्र है। लिखेंगे R और ये मेरे पास दिया है X। R माने होता है एल्किल, X माने होता है हैलाइड। R क्या होता है, एल्किल, X क्या होता है, हैलाइड। कि अगर अभिक्रिया हम अमोनिया गैस के साथ करेंगे, NH3 के साथ करेंगे, बच्चों किसके साथ करेंगे, NH3। R माने क्या होता है, एल्किल, X माने होता है हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया गैस के साथ करेंगे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से समझना, क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा एल्किल एमीन, RNH2। ये मेरे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल एमीन। R होता है एल्किल, NH2 जुड़ा है तो हमारा एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ, एल्किल एमीन। और साथ में प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, HX। क्या प्राप्त होगा, HX मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी फार्मूले से इन सारी अभिक्रिया को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, R को आपको समझना पड़ेगा, R क्या होता है, एल्किल होता है। दोस्तों, एल्किल के हम उसके नाम को कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है एथिल, तो एथिल है। मैंने आपको कई बार पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया है कि एल्किल में जो हमारा मैथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है, ये सारे सूत्र आपको बनाना आते हैं, क्योंकि एक कार्बन होता है तो मैथ बोलते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की संख्या से दोनों से एक ज़्यादा होते हैं तो लास्ट में इल जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एथिल है दोस्तों, क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या दिया दोस्तों, एथिल क्लोराइड दिया। तो एथिल का सूत्र क्या होता है, कार्बन होने चाहिए दो, कितने होने चाहिए कार्बन, दो होने चाहिए कार्बन, कितने होने चाहिए दो, क्यों, यहाँ पर लिखा है एथिल, एथ का नाम आया तो एथ के लिए कार्बन की संख्या दो होती है, तो मैंने कार्बन यहाँ कितने लिख दिए, दो। हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे, जब इल जुड़ा है तो हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा हो, कार्बन की संख्या यहाँ दो है तो इसका दूना कर देंगे चार, एक जोड़ देंगे तुम्हारा पांच, हमारा एथिल हो गया। और क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, Cl होता है, प्लस NH3 हो गया, गिब्स कर देंगे। एल्किल मैंने क्या लिया था, मुझे हमने यहाँ पर इसमें इस समीकरण में एल्किल जो लिया था वो भी हमारा एथिल था, क्या था, एथिल। एथिल का सूत्र क्या होता, C2H5, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एमीन, क्या हो जाएगा, एथिल एमीन प्राप्त होगा। दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन, और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड मेरे पास क्या था, Cl, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या, मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, मैथिल या मैथ के लिए कार्बन कितनी संख्या होती है, एक। मैथ की, जब मैथ का नाम आता है तो कार्बन होते हैं एक, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसके साथ बच्चों कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन इसकी संख्या से दोनों से एक ज्यादा कर दो, कार्बन एक है, एक का दोना हमारा दो होता है और दो में एक जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, तीन। ये हमारा मैथिल का सूत्र हो जाएगा, ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है। हमें क्या है, अमोनिया के साथ करना है तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या प्राप्त होगा, जो मैंने यहाँ एल्किल लिया था, क्या एल्किल थे अभी, CH3, जो एल्किल लिया था उसी एल्किल के साथ में हम NH2 जोड़ देंगे, मतलब ये हमारा मैथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मैथिल एमीन, और साथ में H प्राप्त हो जाएगा, हैलाइड यहाँ पर Br था तो यहाँ हो जाएगा HBr, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोपिल आयोडाइड है, प्रोपिल का मतलब कार्बन होने चाहिए तीन, कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, तीन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तीन, क्या दूना कर दो, छः हो जाएंगे, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सात, कार्बन की संख्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी सात। आयोडाइड का फार्मूला आई होता है, प्लस अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3, गिब्स कर देंगे, हमारा जो यहाँ पर हमने एल्किल लिया था, जो एल्किल यहाँ लिया था उसी एल्किल को लिख लेंगे CH7, और क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे एमीन, NH2 हो जाएगा,
और साथ में बच्चों क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन, और जो एल्किल लिया था, एल्किल यहाँ क्या था, आई था। तो दोस्तों एल्किल नहीं, ये हमारा होता है हैलाइड, जो हैलाइड लिया था वो हैलाइड यहाँ लिख लेंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा प्रोपिलामीन और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इन सारे समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद दिया होगा, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर आप लोगों को रसायन विज्ञान की अभिक्रिया को सीखना है तो यार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको एक छोटे छोटे से ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से बहुत ही आसानी से आप इस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है,